बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, इंडिया में या किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो, उन्हें इंग्लिश वोकैबुलरी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें वोकैबुलरीज याद नहीं होती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ इस पर, और आज इसमें मैं एक ट्रेडिशनल वे में नहीं जा रहा, एक नया तरीका, एक निमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू आपको सिखाऊंगा कि आप इंग्लिश के मुश्किल वर्ड्स किस तरह याद करते हैं करेंगे। तो पहला वर्ड जो आपके सामने भी आ रहा है वो है सल्यूब्रियस। तो इसको याद करने के लिए आप अपने सल्यूमिया को याद रखें, यानी सलमान खान। सलमान खान जो दिखने में एक हेल्दी है, आप सबने देखे हैं उसकी मूवीज। तो सल्यूब्रियस का मतलब होता है हेल्दी मैन। लेकिन एक बात याद रखें कि आप सल्यूब्रियस वर्ड को किसी आदमी के साथ यूज ना करें तो बेहतर है। उसको आप किसी इन्वायरमेंट या किसी माहौल के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्यूब्रियस प्लेस, दिस इज अ सल्यूब्रियस प्लेस, यू शुड गो देयर। ओके, ये आपका सेंटेंस होगा। दूसरा वर्ड मैं आपको बता, वो है प्रोडिगल। प्रोडिगल गर्ल का, गर्ल एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है गर्ल यानी लड़की। प्रो का मतलब है आप उसके हक में होना, यानी प्रो अमेरिकन होते हैं जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। तो प्रोडिगल का मतलब क्या हो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, डिगल इसका मतलब। तो है तो क्या करेंगे आप के पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी आप ज़्यादा खर्च करोगे। तो प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रावेजेंट या फिर जेनरस यानी फरागदिल, जो एक्स्ट्रा चीज़ें खर्च करता हो। प्रोडिगल हैबिट्स ऑफ वजीर राहील, इस तरह बोल सकते हैं। प्रोडिगल लैंडलॉर्ड्स स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट वर्ड जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है फ्रूगल। फ्रूगल प्रोडिगल का बिल्कुल ही एंटोनियम है। फ्रू का मतलब है आपके पास नहीं है गर्ल, आपके पास कोई गर्लफ्रेंड आपकी नहीं है, तो आपके सारे पैसे बच जाएंगे। इसका मतलब है यानी इनके सारी यानी पैसे कम खर्च करना। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, कोई सिंपल, इसका एक दूसरा वर्ड मीनिंग सिंपल भी है, आई ईट फ्रूगल मील, मैं सादा खाना खाता हूँ। नेक्स्ट है सबाटिकल। सबाटिकल को याद रखने का एक तरीका है, सब बातें कल, आज छुट्टी करें। तो सबाटिकल का मतलब होता है कि छुट्टी यानी लीव। टुडे राहिल इज ऑन ए सबाटिकल, आज राहिल छुट्टी पर है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है वो है फास। फास इसमें आपने क्या करना है, फेस याद रखना है और बीच में से आर जो है उसको निकाल के उसको सोचना है रेडिकुलस। आर से क्या आता है, रेडिकुलस यानी मजाहिया फेस, रेडिकुलस फेस, ये आपका निमोनिक्स होगा। इसका मतलब है ये मजाहिया कोई कॉमेडी को आप फास कहते हैं। इसका सेंटेंस इस तरह बन सकता है, द प्ले सडनली चेंज जिस फ्रॉम फार्स टू ट्रेजेडी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्लिप। फ्लिप को याद रखने का आसान तरीका है फ्लिप बल्ब, जो हर किसी के घर में हम यूज करते हैं। बल्ब से आपके जहन में आनी चाहिए एनर्जी। तो फ्लिप का मतलब होता है बूस्ट करना, स्टिमुलस, किसी चीज को बढ़ाना। तो इसका जो सेंटेंस है, द हैविंग ऑफ कार टैक्स वुड प्रोवाइड फ्लिप टू सेल्स। तो नाजरीन, ये था मेरा वीडियो, इसमें मैंने आपको 6 वर्ड सिखाए हैं एक नए निमोनिक्स के तहत। इंशाल्लाह अगर आप इसको पसंद करेंगे तो बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट भी आपके सामने होगा। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।